हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉलेज दुनिया एमबीए यूट्यूब चैनल। आज हमारे सीरीज में, कॉलेज रिव्यू सीरीज में, हम एक नया कॉलेज लेके आए हैं। बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलेज है IRMA, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। अभी रूरल मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, बहुत नीच सा कोर्स होता है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, जॉब प्रोफाइल्स कैसी होंगी, इन्हीं सब के बारे में थोड़ी सी आज हम डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू देंगे आपको IRMA का। सो कॉलेज बहुत अच्छा है, शानदार कॉलेज है, अच्छा ROI है, बहुत मजा आने वाला है। बट सबसे पहले जो भी लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नाउ कमिंग बैक टू द कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। सबसे पहले लेट्स गेट द नंबर्स ऑफ। सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं, प्लेसमेंट नंबर्स। अभी देखो, प्लेसमेंट रिपोर्ट सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे डिटेल्ड मेरे को IRMA की लगी। डिटेल्ड इन द सेंस, प्लेसमेंट रिपोर्ट इनकी बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फाइनल प्लेसमेंट की बात हम कर रहे हैं। हाईएस्ट CTC 26.5 लाख का गया है, अच्छा डिसेंट है। एवरेज CTC 15.5 लाख, नॉट एट ऑल बैड, मतलब काफी अच्छा है। मीडियन 15, देखो ध्यान दीजिए, 15.5 एवरेज एंड 15 मीडियन, इट्स अ गुड नंबर, मतलब डिफरेंस बहुत कम है। ऑल्सो मैंने इनकी रिपोर्ट में, ये तो 2023 की है, मैंने एक दो रिपोर्ट पहले भी देखा था इनका, एक दो बार मीडियन ऊपर रहता है, एवरेज कम जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि सबकी अच्छी प्लेसमेंट होती है। नॉट डेटा स्क्यू होने का रीजन ये होता है कि एक दो बहुत ज्यादा प्लेसमेंट ले लेते हैं और पूरे बैच की नॉर्मल प्लेसमेंट लगती है, उसकी वजह से एवरेज स्क्यू हो जाता है। बट जितना एवरेज और मीडियन पास होगा, उतना डेटा स्क्यू कम होगा, उतना ही अच्छा कॉलेज है। नाउ कमिंग टू द लोएस्ट CTC, यस यू हर्ड इट राइट, IRMA अपना लोएस्ट CTC भी बताता है। तो लोएस्ट CTC यहाँ पे देखेंगे 8.5 है, ऑल्दो थोड़ा देखो रिलेटिव टू 15 कम है, जरूर कम है, बट इट्स अ बिग लीप कि वो बता रहा है, वो इन्फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स को कि 8.5 से 26.5 तक आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। जनरली हाईएस्ट CTC कॉलेजेस बताते हैं, लोएस्ट नहीं बताते हैं। सो इन दैट मैटर फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी IRMA की। अगेन ग्रोथ की बात करें, 8.16% का ऑन एन एवरेज CTC ग्रोथ देखने को मिला। 8.16 इज अ गुड ग्रोथ। समर इंटर्नशिप की थोड़ी सी बात कर लें, हाईएस्ट स्टाइपेंड यहाँ पे 1.7 लाख है। ये नंबर्स पर मंथ के बता रहा हूँ मैं, 2 महीने के नहीं है, सिंगल मंथ के हैं। मीन स्टाइपेंड 62,000, गुड नंबर। मीडियन स्टाइपेंड 50,000 एंड ऑफर पर स्टूडेंट, अच्छा ये यूनिक बात है इनकी, नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा मोस्ट कॉलेजेस में 1 ऑफर पर स्टूडेंट रहता है, मतलब एक इंसान को अगर एक ऑफर मिल गया तो वो और प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता। बट यहाँ पे जो मैंने नंबर्स देखे, वो राउंड अबाउट 250 स्टूडेंट्स पे 450 ऑफर्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब पर स्टूडेंट 1.8 ऑफर्स, मतलब मल्टीपल ऑफर्स का भी यहाँ पे प्रोविजन है। Now coming to top recruiters, यहाँ पे अमूल, ITC, KPMG, गोद्रिक, सारे तरह के रिक्रूटर्स हैं, बट उनका रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले। कमिंग टू कोर्सेज एंड फीस, नॉर्मली 2 यहाँ पे कोर्सेज रहते हैं, PGDM, PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट रूरल मैनेजमेंट में, यहाँ पे ध्यान दें RMS रूरल मैनेजमेंट। फीस इज 16 लाख, तो ROI 1 के अराउंड अबाउट बैठता है एंड इट्स अ गुड ROI। इनटेक 240 यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूटिव PGDM, अगेन ये एग्जीक्यूटिव भी रूरल मैनेजमेंट में रहेगा। फीस इज 10 लाख एंड इनटेक इज 60। बेसिक 2 कोर्सेस, ठीक है, बहुत ज्यादा कोर्सेज नहीं। एंड ऑफ कोर्स फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह वो अलग चीज है, बट मेनली आपको 2 प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। अब बात आती है रैंकिंग्स की। जैसा कि मैं आपको बहुत बार हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि रैंकिंग्स पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बट दे शुड बी एन इंडिकेटर ऑफ हाउ गुड अ कॉलेज इज। रैंकिंग्स यहाँ पे देखें तो NIRF की 54/125, क्वाइट डिसेंट। IRF की 21 है। टाइम्स ऑफ इंडिया 9/100, आउटलुक की 17/200 2023 की, एंड द वीक की 20। सो मेनली यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखनी होती है कि आउटलुक, वीक, इनमें कॉलेजेस कौन से पार्टिसिपेट करते हैं। कई बार होता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट ही नहीं करते, अपना डेटा नहीं प्रोवाइड करते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या आपको कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, क्या आपको रूरल मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो, दिस इज नॉट द सिंपल MBA कोर्स जहाँ पे आप सोचो कि MBA करेंगे फिर कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे। अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाना चाहते हैं एंड यू वांट टू ब्रेक इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, सो दिस इज नॉट द राइट कॉलेज फॉर यू। लेट मी टेल यू, लेट मी बी क्लियर, ये सही कॉलेज नहीं है। आपको यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम रोल्स हैं, मेन स्ट्रीम मार्केटिंग रोल, मेन स्ट्रीम फाइनेंस रोल, नहीं, उस तरह के रोल बहुत रेयर ऑफर होते हुए मिलेंगे। ऑल्दो एल्यूमनाई इनका शिफ्ट हो जाता है एंड एल्यूमनाई इज वेरी ग्रेट, एल्यूमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, बट बेसिक रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। BSFI जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हैं। अब ये हर जगह आता है, बट यहाँ पे दे आर मोर फोकस्ड ऑन माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब रूरल फाइनेंस जो कि है, जो छोटे लेवल पे फाइनेंस है, उन सेक्टर्स पे यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब ये बहुत ही एक यूनिक मॉडल पे ये कॉलेज है, और यहाँ पे रूरल मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें जो रूरल एरियाज के लिए जॉब्स हैं, रूरल सेक्टर्स के लिए, जैसे FMCG फॉर रूरल एरियाज, एग्री बिजनेस, डेयरी बिजनेस का सप्लाई चेन, सो ये सारे रोल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं पॉश लाइफ हो बैंगलोर में, दिल्ली में, अच्छी कॉर्पोरेट लाइफ हो, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, आई डोंट थिंक सो उस टाइप का लाइफस्टाइल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा इनिशियली एटलीस्ट। सो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से जाइए और एनजीओज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको प्लेसमेंट देती है। एंड आई हैव सीन पीपल, आई हैव नोन पीपल जो कि अच्छे प्लेसमेंट्स छोड़ के एनजीओ पे वर्क करने गए हैं थ्रू IRMA। So it's not just about making money, it's about giving back to the society. So इस तरह की profiles यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। So there are rural profiles available here। यहाँ पे NGO के साथ आपको काम करने को मिलता है। ROI is good, मतलब 16 लाख फीस, 16 लाख तो I mean आप इसको अगर ABC के साथ कंपेयर करोगे तो ऑफकोर्स कम है, बट वैसे अच्छी प्लेसमेंट्स हैं। बट जॉब प्रोफाइल, अगर आपको इस तरह की जॉब प्रोफाइल पसंद है तभी आपको यहाँ जाना चाहिए। So I've heard that 10-20% जिनको पता नहीं होता and they get into IRMA, so they are shocked. So initially उनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में, acclimatize होने में प्रॉब्लम आता है। So आप उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से लेके चलिए, ठीक है। So अगर आपको मेन MBA करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर जाना है, तो IRMA आपके लिए नहीं है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो ऑफकोर्स प्लेसमेंट यहाँ की डिसेंट है, यू विल गेट, बट आपको अच्छी प्लेसमेंट सभी लगेंगी जब आप उस सेक्टर में, रूरल सेक्टर में काम करना चाहें। सो आई होप आपको मैंने इस बहुत अच्छे कॉलेज के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी होगी। आई होप इट विल हेल्प यू टेक द डिसीजन बेटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑफ कोर्स फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड लास्ट थिंग वंस अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कॉमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।